स्टार्ट कर दे बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अदनान भाई क्या मौजूद है आज? आज हमारे पास लाइन है, राकून हैं, डियर्स हैं, डक्स की फैमिली है। सबसे पहले शेर के बारे में बताएं। जी ये हमारे पास एक अफ्रीकन लाइन है, वन एंड हाफ ईयर, डेढ़ साल इसकी उम्र है। बहुत ज़्यादा लवली, बहुत ज़्यादा टेम है। ये अक्सर एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है कि बब्बर शेर, तो बब्बर शेर कौन से शेर को कहा जाता है? बब्बर शेर जो लाइन में मेल होता है, जिसकी झालर होती है, उसको बब्बर शेर कहते हैं। अदनान भाई मेल फीमेल की पहचान बता दें। वैसे भाई लाइन में मेल की झालर होती है और फीमेल सिंपल होती है, उसके गर्दन पे बाल नहीं होते, वो फीमेल होती है, और जिसकी झालर हो उसको मेल और बब्बर शेर बोलते हैं। शेर के गर्दन पे बाल होते हैं वो किस एज में आते हैं, जिसे अयाल कहते हैं, जत कहते हैं, ये किस एज में आती है? ये तकरीबन मेल की डेढ़ साल की उम्र में इसके गर्दन के बाल बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और ये तकरीबन 4-5 साल में जाके पूरा कंप्लीट क्राउन बनता है इसका। मैंने अक्सर देखा है शेर धारते हैं, रोर करते हैं, इसकी क्या वजूहत होती है कि आवाज़ करते हैं? और दूसरा ये बताएं कि जो शेर होता है जब ये आवाज़ कर रहा होता है तो इसका क्या मकसद होता है? ये बेसिकली नेचुरल है, हर एनिमल की सबकी मतलब अपनी वॉइस होती है, तो ये रोर करते हैं। अमूमन ये मतलब फजर के टाइम और मगरिब के टाइम, ये दो टाइम होते हैं जिस पे ये लाइन रोर करता है, बोलता है, दाड़ता है। क्या पाकिस्तान के जंगलों में शेर पाए जाते हैं? जी नहीं, पाकिस्तान के जंगलों में शेर नहीं पाए जाते, यहाँ पे हमारे लेपर्ड पाए जाते हैं। तो ये बताएं कि शेर की हाइट कितनी होती है? ये तकरीबन हाइट इनकी होती है 38 से 40 इंच तक। क्या नाम भाई ये इंसान दोस्त हो जाता है प्रॉपर, या ये मौके की तलाश में रहता है, मौका मिले तो काम लगा दो? नहीं, इससे केयर ही करनी चाहिए। ये बेसिकली लाइन के मूड का नहीं पता होता, किसी भी वक्त का मूड चेंज हो सकता है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, केयर करनी चाहिए। अदनान भाई शेर रखने के लिए पैसे के अलावा क्या रिक्वायरमेंट है? प्रॉपर जगह, प्रॉपर फूड और SOPs, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ की, और सेफ्टी मेजर सबसे पहले मस्ट है। सीखने वालों को थोड़ा गाइड करें कि आपने इसे टेम कर रखा है, इसे किस तरह से टेम किया गया कि इस एज में भी इंसान दोस्त है ये? इसको टाइम बहुत ज़्यादा दिया गया, इसके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं ताकि ये फ्रेंडली रहे। टेम लाइन क्या बच्चों के साथ भी फ्रेंडली हो जाता है? नहीं, बच्चों के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी इनको बच्चों के साथ ये फैमिलियर नहीं होता। आजकल जिस तरह से आपको मालूम है टिकटॉक का ट्रेंड है, तो अक्सर दोस्त ना टिकटॉक की वीडियोस के लिए शेरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? अक्सर मुझे भी दोस्त कहते हैं कि भाई हमारी वीडियो बनवा दें, थोड़ा उस बारे में गाइड करें देखने वालों को। एक्चुअली टिकटॉक पे कुछ लोग बड़ा गलत साइड पे इस शो को लेकर जा रहे हैं, जो कि नुकसान है, अल्टीमेटली उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। अदनान भाई क्या ये शेर अवेलेबल है सेल के लिए? जी बिल्कुल ये अवेलेबल है, और किसी भाई को और भी बिग कैट में कुछ चीज़ चाहिए हो तो उनको मिल जाएगी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अदनान भाई हमारे व्यूवर को गाइड करें कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें? मैं बेसिकली जू डेवलपर हूँ, जू के रेलिवेंट हर एनिमल आपको अवेल हो जाएगा। भाई इसके बाद क्या दिखा रहे हैं? वैसे इसके बाद आपको राकून दिखा रहे हैं, राकून मतलब फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आए हैं, और बड़ा फ्रेंडली इंसान दोस्त जानवर है, और मतलब एज अ पेट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कौन से मुल्क की ब्रीड है ये? ये बेसिकली यूरोपियन है, ये यूरोप में पाया जाता है। डाइट बता दें, इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट ये फ्रूट खाता है, फ्रूट ईटर है, और मतलब लाइक अ मंकी, जो कुछ मंकी को हम खिलाते हैं वही आप इसको राकून को खिलाते हैं। दूध बड़े शौक से पीता है, इसको आप मीट दे सकते हैं, मीट खाता है, रोटी खाता है। एज ए पेट रख सकते हैं मंकी की तरह? जी बिल्कुल, आप इसको एज ए पेट रख सकते हैं। क्या ये अवेलेबल है फॉर सेल के लिए? जी बिल्कुल ये अवेलेबल है फॉर सेल है। इसके बाद आपको अल्पाका दिखा रहे हैं, डियर दिखा रहे हैं, उसमें अडक्स हैं, अल्पाका हैं, और डक्स की वैरायटी है। जी वैसे ये एडक्स हैं, और इसमें हमारे पास दो पेयर हैं, एक ये यंग पेयर और ये एक अडल्ट पेयर है, इसकी फीमेल अंदर है, और ये दोनों पेयर अवेलेबल हैं फॉर सेल।
कौन से मुल्क की ब्रीड है ये? ये गल्फ के, बेसिकली ये गल्फ कंट्रीज के हैं, अरब कंट्री का ये एनिमल है। डाइट बता दें इनकी। डाइट इसकी मतलब डियर्स की तरह जो भी घास वगैरह और दाना चने वगैरह खाते हैं। फॉर सेल है ये पेयर? ये दोनों पेयर फॉर सेल है। प्राइस बता दें। प्राइस कॉल पे नंबर शेयर कर दें, कॉल पे इनकी प्राइस। भाई इसके सिंगों के बारे में बताएं, जिस तरह से पाकिस्तानी हिरन है उनके सिंग हर मौसम में गिर जाते हैं फिर नए हो जाते हैं, क्या इसमें भी है कोई ऐसा? नहीं, इनके सिंग नहीं गिरते, इनके ग्रो होते हैं हर साल, सिंग बड़े होते रहते हैं। और इनके हॉर्न्स की स्पेशलिटी ये है कि ये तकरीबन 4 फीट तक बड़े हो जाते हैं। इसके पावों के बारे में बताएं, ये थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं हिरन के मुतबादिल, मुझे गायें जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल, ये जितने भी बड़े डियर होते हैं इन्हें एंटीलूप्स कहते हैं, और इनके जो खुर होते हैं वो गाय की तरह होते हैं पाँव। के मुल्तान में शदीद सर्दी और शदीद गर्मी पड़ती है, तो क्या मौसम असर अंदाज होता है इन पे? जी बिल्कुल, ये बेसिकली मुल्तान में तो ज़्यादा गर्मी ही होती है, तो ये क्योंकि डेजर्ट के हैं तो गर्मी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी में इनको कोई मसला नहीं होता, ये सर्वाइवल इनका पाकिस्तान में बहुत अच्छा है। ये जो डियर है क्या इसकी क्रॉस ब्रीड हो सकती है किसी और हिरन के साथ? नहीं, इसकी क्रॉस ब्रीड नहीं हो सकती, ये एडक्स एडक्स के साथ ही ब्रीड करेगा। क्या इन्हें रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है कोई? लाइसेंस के लिए जो हमारे लोकल पाकिस्तान के डियर हैं उनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेड डियर होते हैं उनके लिए लाइसेंस नहीं ज़रूरी होता इतना। ये जो दो छोटे ये बच्चे हैं इनके, ये तकरीबन 8 मंथ का पेयर है, ये भी एडक्स है। और ये जो पीछे है इसके बारे में बता दें। ये अल्पाका का मेल है। इसकी डाइट बता दें। इसकी डाइट भी सेम है, ये फ्रूट वगैरह खाता है और घास वगैरह। इसकी हाइट बता दें, इसी अभी बड़ा होगा ये अडल्ट है? ये नहीं, ये अडल्ट है, ये 5 ईयर एज है इसकी और ये अडल्ट है। ये कौन सी मुल्क की ब्रीड है? ये हॉलैंड की, ये यूरोप में पाया जाता है। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है? हाँ जी, ये भी अवेलेबल है सेल के लिए। अदनान भाई, लामा और अल्पाका में क्या फ़र्क है? अल्पाका हेरी होता है, बहुत ज़्यादा बाल बड़े होते हैं, और जो लामा है उनके बाल छोटे होते हैं, और लामा की हाइट अल्पाका से बड़ी होती है, अल्पाका की हाइट छोटी होती है। ये बताएं, मैंने देखा कि ये थूक रहा है, क्या इसी जानवर को आदत है या तमाम जितने भी जानवर हैं वो थूकते हैं? नहीं, ये अल्पाका लामा फैमिली, ये अपने प्रोटेक्शन, जब अपने आप को अनसेफ फील करते हैं ये अपना डिफेंड करते हैं ये मुंह से थ्रो करके। नंदा, ये डक्स के बारे में बताएं। जी डक्स में ये इंडियन रनर डक्स हैं, वाइट फ्रंटेड गीज हैं और ये क्रस्टेड डक्स हैं। अदनान भाई, शेर और टाइगर में कौन ज़्यादा ताकतवर है? सालों से शेर टाइगर आपके पास है, इस वक्त भी आपके पास एक फीमेल मौजूद है टाइगर की, तो इसके बारे में बताएं, आपने तो बड़े करीब से देखा इन जानवरों को, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा जानवर ज़्यादा खतरनाक है? इनमें टाइगर ज़्यादा खतरनाक है, और वो इनमें साइज में भी काफ़ी ह्यूज होता है और ताकत में भी ज़्यादा है, तो टाइगर ज़्यादा डेंजरस होता है। इन जानवरों में से कौन सा जानवर अच्छा टेम हो सकता है? लाइन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, लाइन की नेचर ज़रा डिफरेंट है टाइगर से। सबसे अग्रेसिव ब्रीड कौन सी है बिग कैट में? बिग कैट में लेपर्ड बहुत अग्रेसिव होते हैं, लेपर्ड बहुत कम टेम होता है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। अदनान भाई, अगर आपसे मुलाकात करनी हो? जी, अगर बिजनेस के लिए मुझसे मिलना हो या कोई एनिमल्स की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप मुल्तान में मिल सकते हैं। अदनान भाई, फ़ोन नंबर बता दें। जी मेरा फ़ोन नंबर 03008630064। अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप समझ लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।